नमस्कार, मैं शेफ जयराज, आपका स्वागत है शेफ अभी के चैनल पे। मतलब कि मेरे चैनल पे है ना? हाँ, आपका एक चैनल। तो फिर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप इतने टाइम से कुछ बना नहीं रहे, हफ्ता 10 दिन हो गया कुछ। मतलब मैं सोचा ठीक है मैं ही आके बना रहे। मतलब कि मैं काम नहीं करूँ तो आप बोले कि मैं ही कर लेता हूँ। हाँ, क्या करें, सही है यार। वैसे भी सर मैं सोचा था ना कुछ पेनिसिलिन बनाने को चैनल पे। हाँ। तो आप तो पेनिसिलिन के मास्टर हो ही, तो आज आप कुछ बना दो हमारे लिए। फिर अब आप आ ही गए हो तो थोड़ा सा हेल्प कर ही दोगे। हाँ, बिल्कुल, मन तो मेरा भी है। अच्छा, तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं डिमसम, या फिर अगर आप मोमोज बोल सकते हो इसको आसान भाषा में। तो शेफ जयराज हमारे लिए आज मोमोज बनाएंगे, दो डिफरेंट टाइप के, और साथ में एक दो कॉन्डिमेंट या बोले तो सॉस भी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिमसम्स का एज फार एज हिस्ट्री गोज, डिमसम्स शुरुआत हुई थी चाइना में। जब लोग एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते थे तो लोग टी शॉप्स पे रुकते थे, और उनके लिए जो खाने का अरेंजमेंट होता था वो ऐसा कुछ होता था कि जो तुमको टी के साथ जा सके, कंपैटिबल हो सके। तो वहाँ पे ऐसे कुछ 2 पीसेस 3 पीसेस डम्पलिंग्स की शुरुआत हुई थी वहाँ पे, और धीरे धीरे फिर वो अलग अलग कंट्रीज़ में आने लगा, जैसे कि जापान हो गया, फिर धीरे धीरे चाइना के थ्रू, टिबेट के थ्रू होके इंडिया में आया, जहाँ पे उसको मोमोज बुलाते। सिमिलर चीज़ है, डम्पलिंग्स, मोमोज, पॉट स्टिकर्स, ग्योज़ाज, अलग अलग नाम है बस। है तो खैर ऑलमोस्ट सिमिलर हर एक चीज़, बट दो अलग अलग होते हैं, किसी के रिफाइंड फ्लावर से होते हैं, किसी के पोटैटो फ्लावर से होते हैं। सो ये मोमोज़ का डो बनाने के लिए हमने एक बोल में रिफाइंड फ्लावर ले लिया है, जिसमें मैं एक पिंच सॉल्ट डाल रहा हूँ और उसको फोक से एक बार मिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉइलिंग वाटर डाल के हम इसको फोक से फिर से मिक्स करेंगे जब तक ये एक डो बन जाए, और फिर हम उसे रेस्टिंग के लिए डाल देंगे। जो वैसे दिख रहा है कि थोड़ा उसका शेप फॉर्म हो रहा है, मतलब मैं इसको बोल से उठा के सरफेस पे ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि मैं नीड कर सकूँ उसका। ओके, डो को नीड करते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करें। अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा डो और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस डो को इतना ज़्यादा स्ट्रेच करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जबकि अगर नूडल्स का डो होता है उसके लिए उसको थोड़ा ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि टेक्सचर बन सके नूडल्स का, थोड़ा स्ट्रेची वेवी टाइप का टेक्सचर आ सके, उसके लिए ज़्यादा नीडिंग की ज़रूरत होती है डो। अब ये हमारा डो तैयार हो गया है, थोड़ा इसको नीड करके हमने स्मूदन आउट कर लिया है। अब हम इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स इसको रेस्टिंग के लिए डालेंगे, और इसको ताकि ये सूख ना जाए इसको थोड़ा वेट क्लॉथ से ढक लेंगे। शेफ, तो ये टोफू है? जी, फर्म टोफू है। अच्छा। वैसे इसका सिल्कन वर्जन भी आता है, बट वो डम्पलिंग्स के लिए इतना सही नहीं है। डम्पलिंग्स के लिए फर्म टोफू ही सही है ताकि आपको वो बाइट मिल सके। टोफू एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है वीगन लोगों के लिए। इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है, ये बनता है सोया मिल्क से, जो कि है एक बाय प्रोडक्ट सोयाबीन का। इसमें प्रोटीन कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इसको काफ़ी हेल्दी इंग्रेडिएंट माना जाता है। सो वेज डम्पलिंग्स बनाने के लिए हमारे प्रेप में हमको चाहिएगा टोफू, डाइस टोफू, इसके साथ है थोड़ा स्कैलियन, थोड़ा रेड चिली फाइनली चॉप्ड, इसके अलावा गार्लिक, जिंजर, पॉक चॉय और अनियन। अच्छा, स्कैलियन बोले तो स्प्रिंग अनियन, स्कैलियन, हाँ, हरा वाला प्याज। एग्जैक्टली। ओके, नॉनवेज के लिए क्या कर रहे हैं हम? नॉनवेज के लिए हम कर रहे हैं चिकन थाई का मिंस्ड, हमने मिक्सचर ले लिया है। अच्छा, कीमा। हाँ,
इसके साथ हमारे और जो चाहिए चीज़ें वो है गार्लिक जिंजर अगेन मेन इसमें फ्लेवरिंग लेमन ग्रास का है जो हमने फाइनली चॉप कर दिया है। अच्छा और इसके साथ है रेड चिली और थोड़ा चाइव्स। ठीक है ओके सर। तो वेज वाले को हम कुक करेंगे या नॉन वेज वाला कच्चा ही मतलब मिक्सचर बनेगा? हाँ ठीक। तो वेज डम्पलिंग का मिक्सचर बनाने के लिए हमने पैन में पहले ऑयल ले लिया है, उसमें फिर हम डालेंगे पहले चॉप्ड अनियन जिसको थोड़ा अच्छे से भुनने के बाद हम उसमें डालेंगे गार्लिक और जिंजर और थोड़ा सा रेड चिली चॉप्ड। अब हम इसको भी भुनेंगे ताकि थोड़ा फ्लेवर्स रिलीज़ हो सके। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड टोफू और उसको भी थोड़ा हम सॉटे कर लेंगे पैन में। लास्ट में हम इसमें पॉक चॉय ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ा और पकने देंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को बहुत ही लो पे सेट करके इसको पकाना है। फिर हम इसमें सीजनिंग्स ऐड करेंगे, पहले सॉल्ट, फिर थोड़ा सा वाइट पेपर, अगर वाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर, और फिर थोड़ा सा सोया सॉस, और लास्ट में हम इसमें एक चम्मच सिराचा डाल रहे हैं। सिराचा एक थाई चिली गार्लिक सॉस है, आप इसकी जगह पे नॉर्मल रेड चिली सॉस या केचप भी यूज़ कर सकते हैं। सो चिकन फिलिंग बनाने के लिए हमने एक बोल में रॉ चिकन को मिंस करके ले लिया है। अब हम इसमें पहले गार्लिक डालेंगे, थोड़ा जिंजर डालेंगे और फिर हम इसमें रेड चिली चॉप डालेंगे। उसके साथ साथ हम डालेंगे हर्ब्स के हिसाब से, हम डालेंगे इसमें लेमन ग्रास और शाइव्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेसमी ऑयल और उसके अलावा हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा सोया सॉस। चिली फ्लेक्स हो गए, इसमें हम डाल रहे हैं लगभग एक टेबलस्पून गार्लिक, सॉल्ट, चिली ऑयल बनाने के लिए जब हम इसमें ऑयल पोर कर रहे हैं तब ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा दूर होके उसमें ऑयल पोर करें ताकि आपके ऊपर ऑयल स्प्लटर ना हो, और थोड़ा थोड़ा करके पोर करें क्योंकि अगर आप सारा ऑयल साथ में पोर करेंगे तो हो सकता है कि वो मिक्सचर जल जाए। चिली ऑयल से हट के एक डिफरेंट डिपिंग सॉस बनाने के लिए हमने एक बोल में गार्लिक ले लिया है, उसमें हमने एक चम्मच चिली ऑयल का ही डाल दिया, उसके साथ हमने डाला है सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, आप कोई भी विनेगर यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक हो गया या वाइट वाइन विनेगर हो गया, इवन एप्पल साइडर विनेगर चल सकता है। उसके साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी बिकॉज़ ये एक थोड़ा सा वाटरी डिप है। इसके साथ साथ थोड़ा स्कैलियन और कोरिएंडर। अब जो हमारा डो है वो रेस्ट करके तैयार हो गया है जिसको हम रोल आउट कर लेंगे प्लेटफॉर्म पे। इस डो को आपको जितना पतला हो सके उतना रोल आउट करना है, और चेक करने के लिए आपको आपका हाथ डो के नीचे रख के चेक करना है ताकि आपका जो उंगलियां हैं उनका इम्प्रेशन पड़ सके। ये एक टेक्निक है दिखाने के लिए कि आप इतना पतला आपको रोल आउट करना है।
इसके राउंडल्स बनाने के लिए आप या तो उसको राउंड बेल सकते हैं या तो कोई शेप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई कटर हो गया या किसी स्टील बॉक्स का लिड यूज़ कर सकते हैं आप। अब हमारी फिलिंग भी तैयार है और हमारा डो भी तैयार है, तो अब हम इसको फिल कर लेंगे और मोमोज को अपना शेप दे देंगे। अब हम अपने मोमोज़ को स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के लिए आपके सरफेस को अच्छे से एक बार ऑयल लगा के फिर आप अपने मोमोज़ को एक एक करके प्लेस कर देंगे। पहले हम चिकन मोमोज़ को डाल रहे हैं क्योंकि हमारा चिकन फिलिंग रॉ है, उसके बाद हम वेज मोमोज़ को डालेंगे। हमारे चिकन मोमोज़ अब 2 मिनट से स्टीम हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें वेज मोमोज़ डाल देंगे। वेज मोमोज़ को स्टीम होने में लगभग 4 मिनट लग जाएंगे और चिकन को लगभग 6 से 8 मिनट। फाइनल गार्निश के लिए हम थोड़े चाइव्स चिकन डम्पलिंग के ऊपर डाल देंगे और ब्लैक एंड वाइट सेसमी सीड्स वेज डम्पलिंग्स के ऊपर डाल देंगे। ये हमारे डम्पलिंग्स दोनों तरीके के तैयार हैं। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।